राम सिंह मारू इज पर्सनल सेक्रेटरी टू विक्रम भाई अर्जन भाई माडम अ कांग्रेस एमपी इलेक्टेड फ्रॉम जामनगर इन गुजरात. Our reporter gives him an elaborate description of his agenda and gets Maru interested in a commission. Maru is quick to impress upon the reporter that he is indeed the man. He says, "Main sahab ko samjha sakta hu na." देखो आपकी तरफ से क्या बोलते हैं नहीं हाँ डिमांड तो आपकी तरफ से आप पता मुझे आइडिया नहीं ना क्या क्योंकि हम लोग कोई भी कंपनी चाहिए उसका फ्री में काम हो जाए तो बहुत अच्छा है. तो मैं साहब को समझा सकता हूँ तो आप साहब का भी रहेगा या आपका रहेगा तो आप कैसे उनसे बात पता चला उनसे बात करें वो कहेंगे मतलब कुछ दिक्कत ना है क्लियर कट बात करने के लिए. जी बात करते हो अमाउंट का आइडिया दे दूंगा. हाँ देव सिंह दिल्ली से भैया हाँ सो दो अब वहाँ पर रुक कर Maru displays exemplary salesmanship. He visits the reporter in his hotel room and explains the cost structure. He will charge his commission and an additional amount for facilitating the meeting with the MP. The MP will charge a separate amount for the letter of recommendation. Maru tells the reporter that he will also bargain with the MP. In his words, इसमें तो आपको फायदा करवा दूंगा ना. मैं एज एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसने बोला मेरे को 15 दे दो तो मैं बोल दूंगा ठीक है छोड़ दो 10 ले लो. After a rather long-winded negotiation, Maru instructed the reporter to come to the MP's official quarters in Jamnagar to meet Vikram Bhai Arjan Bhai Madam. Listen in to the following conversation between the reporter, the Congress MP and his personal secretary. If this is not a jaw-dropping irreverence to the law of the land, little else is. सर जो बात हुई थी ना हम लोगों की सर उसके लिए आया हूँ. लेटर मैंने बताया पिछली बार सर आप किसका गुजरात का किसी का लेटर है आपके पास? गुजरात का नहीं है सर ये देखो बताओ सर सबको भेजा जी सर. Thank you.
कहाँ के प्रदीप नाथ जी? ये सर उड़ीसा के। दिल्ली का एड्रेस है? नहीं सर, ये उड़ीसा के हैं सर। एड्रेस रेजिडेंस का एड्रेस है। ये सर अभी ड्राफ्ट करके मुझे देना था, तो यहाँ मुझे आना पड़ा, उनको साइन करना, ड्राफ्ट करके हम देंगे जी। क्या इसमें रिक्वेस्ट क्या लिखा है? ये सर मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। केवल सर आपके लिए तो ये है, मेडिटेरियन ऑयल इंक इन मल्टी नेशनल कंपनी हैविंग वाइड एक्सपीरियंस इन एक्सप्लोरिंग सेल ऑयल एंड गैस एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कीन टू डेवलप न्यू रीजन फॉर प्रोड्यूसिंग सेल ऑयल एंड गैस। मेडिटेरियन ऑयल इंक इज लुकिंग फॉरवर्ड टू स्ट्रेंथन दिस स्टेप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें नीचे लिखा काइंडली लुक इन टू द मैटर एंड अप्लाइज। आपके लिए बस इतना है, ऊपर तो वो कि ये कंपनी अच्छी है, इसका कंपनी सारी है जी, लाइसेंस मिले जो लेवा विनती। आप सर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में मेंबर भी हैं, तो सर आपका असर ज़्यादा पड़ेगा, ये रिकमेंडेशन लेटर अगर मिल जाता है। लेटर वही चाहिए? वो बात तो इलेक्शन के पहले जो बोली थी जी, सर ने बताया था मुझे कि मतलब कुछ पैसा देना है आपको फंड वाली बात, फंड इलेक्शन तो मैंने बताया हम क्या काम करते हैं। इलेक्शन फंड में जो भी बताया है इन्होंने, 5 लाख की शायद बात हुई है जी। बाकी आप जो भी कहेंगे तो फंड के समय या फिर आप जैसे भी कहेंगे मैं पहुंचा दूंगा। फंड के समय की बात नहीं, अभी की बात है। बार-बार बात कर लेनी है, ध्यान दीजिए। अभी की बात है, अभी बताइए सर। ठीक है, मैं अभी कर दूंगा, मुझे लेटर दे दीजिए और मैं तो लेटर तो बाद में मिलेगा, फंड मिलेगा बाद में, पहले थोड़ा मिलता है जी, थोड़ा पहले लेटर आपको कोई दे देगा। सर अभी मुझे कितना करना होगा इनसे बात कर लेते हैं। कितने मारा कुछ भी दिए दे, Vikram Bhai Madam urges his PA to tell the reporter that he could help in funding the upcoming elections. The reporter tells him that funds for the election will be dealt separately and requests the MP to issue the letter first. RMP instructs the reporter to talk money with his PA and expresses his dissatisfaction. He says, letter pehle thode milta hai. Letter koi dega aapko pehle. And just how much will the reporter have to shell out for the immediate letter? The MP directs him to discuss that with Maru. He says, inse baat kar lo. Meanwhile, after a private consultation with the MP, Maru comes back to the reporter and quotes a price. Sir, mujhe bhi dar rahe the. Sir, mujhe bhi dar rahe the ki wo koi mamla nahi hai na. Koi mujhe nahi nahi, wo baat kar sakte hain. Aap to kitne dino se hain. Suno, suno, baat khatam ho gayi. Abhi main usko कि उसने 10 कबूल नहीं कहा, वो पहले उसको सेठ से बात करके आए 5 जी। मैंने कहा तो नहीं हुए कि तो क्या करेंगे, तो फिर वो बोल रहे पैसा कैसे मिलेगा, कैसे आएंगे। मैं लेटर तैयार करके मैं एडवांस दे दूं आपको, 2 लाख रुपए एडवांस दे देता हूँ। वो नहीं सुनो, आप वहाँ से आंगड़िया में ना जो नाम दूँ उसके नाम से आंगड़िया करवा दो, लेटर में साहब की साइन आपके साथ में, हम दोनों साथ में जाएंगे ना, साइन करेंगे साहब, ठीक है ना। 7 लाख रुपये में? 7 लाख में? 6 में 7 बोला साहब ने, मैंने बोला 6 में, मैं अभी बोल दूंगा। ठीक है, ठीक है। लेटर अभी आप तैयार करवा दो, मैं करवा दूंगा अभी, 1 घंटे के बाद आप आइए, लेटर हम तैयार कर लेते हैं, मैं पढ़ लूँगा। आप पढ़ लो, बाद में सुनो, बाद में आप वहाँ बात कर लो पैसा कैसे आएगा। साहब ने बोला बाप पैसा बाद में, दूसरा किसी और का नाम कमें, ठीक है जी। A whopping 6 lakh rupees for a letter. Never mind that the company does not even exist. Clearly, there is no need for a background check. The subterfuge deepens as Maru tells the reporter that the money will not be payable directly to him or the MP.
इन हिज वर्ड्स, मैं लेटर तैयार करके आप वहाँ से अंगड़िया में जो नाम दूँ उसके नाम से अंगड़िया करवा दो। पैसा कैसे आएगा? साहिब ने बोला पैसा बाद में, दूसरा किसी और का नाम में, ठीक है। आर रिपोर्टर कैचेज अप विद विक्रम भाई मैडम वन मोर टाइम टू रिपीट द अमाउंट कोटेड टू हिम। सही बात है, जो भी है मैं बात करूंगा ना, मैं बात करूंगा। This is yet another instance of delegating money handling to personal secretaries, be it funds for elections or for letters of recommendation. Our MP has the same answer as he had earlier. Inse baat karo, jo bhi hai, inse baat karo. Well then, so it shall be. Our reporter ends up paying 75,000 rupees as advance tomorrow. Leke aa jaye. थोड़ा मैं आपको दे जाता हूँ एडवांस, ये दे दूँ, दिक्कत तो नहीं है? हाँ कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल वाला फोन है ये? हाँ जी। 50,000 में दे देता हूँ। अभी एडवांस बाकी हम ला के देंगे ना, और काम वाला भी तो है ना, दूसरा वाला भी तो है काम, तो पूरा एक तो कर दो अभी। ये तो आपका तो हमारे पास 50,000 ये हमारे पास है ना, तो थोड़ा हम दे जाएंगे आपको, हमें तो काम कराना है। ये एडवांस रख रहा हूँ जिससे कि आपको विश्वास रहे। हाँ वो तो तुमको भी मेरे पर विश्वास। हाँ बस विश्वास की बात। मैं अभी जो कर रहा था ना, एक मिनट में अपना काम हो जाता था ना। हाँ सब मैंने रख के रखा था। अभी एक काम कीजिए, मेरे को 75 जो ब्याज है ना वो देना है ना, इतना भरवा दो तो मेरा बाकी टाइटल क्लियर रह जाए। 25 दे दो केवल सर आपके लिए। तो ये मेडिटेरियन ऑयल इंक मल्टीनेशनल कंपनी हैविंग वाइड एक्सपीरियंस। इट इज वर्थ नोटिंग दैट 75,000 रुपीस इज अ रादर लार्ज अमाउंट फॉर अ स्मॉल आउटफिट सच एज अस। आवर रिपोर्टर वाज कंपेल्ड टू पे मारू फॉर सिक्योरिटी रीजंस लेस्ट इट ट्रिगर्ड एनी सस्पिशंस। हाउएवर 6 lakh रुपीस इज एन इम्पॉसिबल अमाउंट फॉर अस टू पे एन MP इवन इफ टू ऑब्टेन इनक्रिमिनेटरी एविडेंस। Having adequately established the intent of Vikram Bhai Madam, we aborted the exercise. Like the MP said earlier, letter pehle thoda milta hai, letter thoda pehle aapko kaun de dega? We didn't give him the money, he didn't give us the letter. Toh itne 35 mein kya fark padega na, apna kaam main ready rakhunga.